छतरपुर पुलिस द्वारा जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब विक्रेता, संग्राहक एवं तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। प्रभात भ्रमण के दौरान थाना कोतवाली पुलिस को नारायणपुर रोड बर्फ फैक्ट्री के पास एक स्थान पर भारी मात्रा में अवैध शराब संग्रह की सूचना प्राप्त हुई। थाना कोतवाली पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान पहुंची। संदेही एक टपरे के बाहर स्कूटी में अवैध शराब रखते मिला। पुलिस टीम ने जाकर चेक किया, टपरे में तिरपाल में ढकी भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां रखी थी। पेटियों को खोलकर चेक किया गया, अंग्रेजी व्हिस्की, गोवा देसी अवैध शराब सहित कुल 63 पेटी 550 लीटर से अधिक शराब, कीमत करीब 4,50,000 रुपए, वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। अवैध शराब जब्त कर एवं फुटकर अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी जब्त की गई है। मौके से दो आरोपी रसूल खान गबड़ू उर्फ हरिशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी तथा अवैध शराब संग्रह में संलिप्त तीसरे आरोपी निकेश राय के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आदतन अपराधी रसूल खान के विरुद्ध हत्या, बलवा, अवैध हथियार, अवैध शराब जैसे आधा दर्जन एवं गबड़ू यादव के विरुद्ध पशु क्रूरता, मारपीट, अवैध हथियार जैसे आधा दर्जन अपराध पूर्व से दर्ज है। अन्य आरोपी की तलाश एवं विवेचना कार्रवाई जारी है। इसको हाँ, कोई नहीं है, श्रीमान जी गेट चली है। कहाँ पे? तो अरे साहब गवाह हो ना, आपके सामने कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? ये पत्रकार साहब भी आए हैं, उनको डरने का नहीं पड़ता। अड्डे पे जो शराब बिक रही थी, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुरा रोड पर कोतवाली की टीम ने एक सुबह कार्रवाई की है, उसमें भी तस्दीक की जा रही है और हम भी यहाँ पे भ्रमण पर थे, सभी चीज़ों को देखा जा रहा है और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में और भी इस प्रकार के अवैध शराब के भंडारण, परिवहन या बेचना जहाँ पर भी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितनी तादाद में शराब मिली, किस हालत में मिली, क्या करने जा रहे थे और सर कितने आरोपी बनाए? ये एक पार्किंग स्पेस है जहाँ पर इन्होंने पेटियाँ रखी थी और अन्य जगह बांटने के लिए ले जा रहे थे। तादाद कितनी है उसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर दारू माफिया लगातार इस तरह की कार्रवाई पहले भी गिरफ्तार, पहले भी गिरफ्तार हुई है, दारू माफिया लगातार कर रही है, किस तरह रोक लगाई जाएगी इन पर? पूरे जिले में सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है और पिछले एक सप्ताह में आप देख रहे हैं कि हर किसी न किसी थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। कल बड़ा मलेरा में पकड़ा है, अभी कोतवाली क्षेत्र में हुई है, संभवतः अभी और भी एक दो थाने में जानकारी है तो शीघ्र ही वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ होंगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें
7662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।